गर्मियों के मौसम में लस्सी एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनकर ही लोग फ्रेश हो जाते हैं। ये न सिर्फ हमें स्वस्थ एवं एक्टिव रखती है, साथ ही इसमें कई ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। पारंपरिक रूप से लस्सी को सिर्फ भोजन के बाद ही पिया जाता था, लेकिन गर्मियों के दौरान धूप के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए दिन के किसी भी समय आप लस्सी का सेवन कर सकते हैं। ये दही और पानी के साथ जीरा, काला नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना जैसे मसालों को डालकर बनाई जाती है। लस्सी एक अच्छा पेय होता है। इसके अतिरिक्त कई इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी होते हैं। घर पर बनी ताजा लस्सी हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। लस्सी दोस्तों दही से बनती है। दही हर किसी के लिए फायदेमंद होती है। जिन लोगों को पेट की समस्या होती है या फिर जो लोग कब्ज के मरीज होते हैं उनके लिए भी लस्सी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट दही और केले को मिक्सी में अच्छी तरह पीसकर स्मूदी बनाकर पियेंगे तो भी आपका वजन तेजी से कम होता है, साथ ही गर्मी में भी आपको राहत देती है। जिन लोगों के दोस्तों सीने में जलन, अपच या फिर पेट दर्द की शिकायत रहती है, इसे लस्सी का सेवन दोस्तों दूर कर देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये स्मूदी, ये लस्सी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप लस्सी का सेवन करते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। गर्मियों में छाछ का सेवन किसी अमृत से दोस्तों कम नहीं होता है। इसमें कैलोरी और फैट जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी, ए, ई और बी भी पाए जाते हैं जो कि शरीर के पोषण के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा लस्सी में आयरन, जिंक, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट, हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लस्सी या फिर छाछ का सेवन भोजन के साथ लेना हितकारी होता है। ये आसानी से पचने वाला पेय पदार्थ होता है। छाछ से पेट का भारीपन, अफरा, भूख न लगना, अपच, पेट की जलन जैसी ये जो समस्याएं होती है, खाना नहीं पचता है, ऐसी समस्याएं ये छाछ का सेवन खाने के बाद दोस्तों खत्म कर देता है। पीलिया रोग में अगर आप एक कप छाछ दिन में 3 बार पीते हैं तो आपको लाभ होता है। छाछ का नियमित इस्तेमाल करते रहने से बवासीर जैसा रोग, यूरिन का विकार जो होता है, प्यास लगना या फिर त्वचा संबंधी जो भी बीमारियां होती है वो खत्म होती है, वो बीमारियां नहीं होती है। छाछ में अगर आप मिश्री, काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर रोजाना पीते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या में लाभ होता है। साथ ही ये समस्या जो होती है ये जड़ से साफ हो जाती है। छाछ में एंटीबैक्टीरियल और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, साथ ही लैक्टोस नामक एक तत्व भी होता है जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत बनी रहती है तो अजवाइन में आप छाछ मिलाकर पिएं। पेट की सफाई के लिए गर्मियों में पुदीना मिलाकर आप लस्सी बनाकर छाछ का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। दोस्तों आप छाछ का सेवन किसी भी मौसम में कर सकते हैं, ये शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।